करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक में हमको स्टडी करना है रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है ये हमको स्टडी करना है। रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर कंडक्टर के लिए भी, इंसुलेटर के लिए भी और सेमी कंडक्टर के लिए भी। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे मेटल कंडक्टर। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में रेजिस्टेंस को लिया है वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को लिया है एक्स एक्सिस पे। टेम्परेचर का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। नाउ इन द केस ऑफ कंडक्टर एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पे देखो एट ओरिजिन रेजिस्टेंस भी जीरो होगा, टेम्परेचर भी जीरो होगा। फिर रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज आर जीरो, का मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होगा, लेटेड वैल्यू भी आर जीरो। तो व्हाट इज आर जीरो? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस। तो पहले मैंने आर जीरो को डिफाइन किया, आर जीरो इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट जीरो डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो एट सम टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस सपोज रेजिस्टेंस हो गया आर टी, तो व्हाट इज आर टी? आर टी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो यहां मैंने दो वैल्यूज को डिफाइन किया है, एक है आर जीरो और दूसरा है आर टी। आर जीरो इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड आर टी होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो फिर रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना हुआ? तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा आर टी माइनस आर जीरो, बिकॉज पहले आर जीरो था और फिर आर टी हो गया। आर जीरो क्या है? रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस का इंक्रीज कितना हुआ? आर टी माइनस आर जीरो, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर में राइज कितना हुआ? तो टेम्परेचर पहले जीरो था और बाद में टी हो गया, तो टेम्परेचर का राइज कितना हो गया? टी डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का राइज सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम होता है, इसका मतलब ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर है उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होगा या केल्विन भी होगा, बिकॉज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर का राइज सेम होता है। ठीक है, तो व्हाट इज आर टी माइनस आर जीरो? इट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज टी? इट इज अ राइज इन टेम्परेचर। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो। तो रेजिस्टेंस का जो राइज होगा आर टी माइनस आर जीरो ये आर जीरो के प्रोपोर्शन में होगा। तो राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज आर टी माइनस आर जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां पे टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। तो आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो एंड आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अभी इन दो रिलेशन को कंबाइन कर लेंगे, तो इनको कंबाइन करके वेगा से आर टी माइनस आर जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब आर टी माइनस आर जीरो के भी प्रोपोर्शन में है और आर टी माइनस आर जीरो राइज इन टेम्परेचर टी के भी प्रोपोर्शन में है। इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वन कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ इन दिस केस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अल्फा। तो ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और ये एक कॉन्स्टेंट का सिंबल है अल्फा। तो वी गेट आर टी माइनस आर जीरो इक्वल्स टू अल्फा आर जीरो इंटू टी। तो फिर यहां से अगर मुझे अल्फा का वैल्यू लिखना होगा तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा का फॉर्मूला होगा आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाय आर जीरो इंटू टी। इसको यहां पे डिवाइड करो तो मुझे अल्फा का फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको अगर मैंने आगे सिंप्लीफाई किया तो आई कैन से आर टी इक्वल्स टू आर जीरो वन अल्फा आर जीरो टी, ये मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। फिर इन दोनों में से आर जीरो कॉमन लिया तो वे आर जीरो इंटू ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी। तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी।
और यहां पे जो मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन अल्फा यूज किया है, इस अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल का। मतलब ये जो अल्फा होगा ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, मतलब ये जो अल्फा होगा ये बताएगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज अल्फा? इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। नाउ लेट अस डिफाइन दिस अल्फा। अल्फा को डिफाइन करने के लिए अल्फा का देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अल्फा इज आरटी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। दिस फॉर्मूला वी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। अभी अल्फा को डिफाइन करने के लिए आर जीरो को ले लो 1 ओम एंड ये जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको ले लो 1 डिग्री सेल्सियस। इट मे बी 1 डिग्री सेल्सियस और इट मे बी 1 केल्विन। तो इस फॉर्मूला में अगर आर जीरो 1 होगा और टी भी 1 होगा तो अल्फा का फॉर्मूला होगा आरटी माइनस आर जीरो। एंड व्हाट इज आरटी माइनस आर जीरो? राइजिंग रेजिस्टेंस या इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री पर यूनिट रेजिस्टेंस या पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आई रिपीट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी चलो फाइंड करते हैं अल्फा का यूनिट क्या होगा। तो अल्फा का यूनिट अपने को फॉर्मूला से मिलेगा, आरटी माइनस आर जीरो ये एक रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा? ओम। फिर आर जीरो क्या है? वो भी एक रेजिस्टेंस है, उसका भी यूनिट क्या होगा? ओम। तो फिर ओम एंड ओम गेट्स कैंसिल और टी का यूनिट आइदर डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो फिर अल्फा का यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या इसको ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स या इट मे बी पर केल्विन या इसको ले सकते हैं केल्विन इनवर्स। ये होगा अल्फा का, ये होगा अल्फा का यूनिट। ठीक है, अभी इन द केस ऑफ मेटल्स या इन द केस ऑफ कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब मेटल कंडक्टर के लिए अल्फा होगा पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर बट फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर अल्फा इज निगेटिव। और इनका अल्फा निगेटिव क्यों होता है? बिकॉज इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में as temperature increases resistance will decrease. So alpha is negative for insulators and semiconductor. So this is concept of temperature coefficient of resistance. अभी हमने study किया था temperature dependence of resistance. In the case of metal, as temperature increases resistance also increases. और इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ जैसे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पे, वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी डिपेंडेंस होगा टेम्परेचर पे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी? ग्रीक लेटर रो। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, दिस फर्स्ट ग्राफ इज फॉर मेटल्स, इट इज फॉर कंडक्टर्स। और जो सेकंड ग्राफ है, दिस सेकंड ग्राफ कैन बी फॉर सेमीकंडक्टर और इट कैन बी फॉर इंसुलेटर। तो फर्स्ट ग्राफ इज फॉर मेटल या कंडक्टर, सेकंड ग्राफ इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। नाउ मेटल के केस में रेजिस्टिविटी रो को लिया है वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को लिया है एक्स एक्सिस पे। बट ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, का मतलब टेम्परेचर को हमने मेजर किया इन द यूनिट केल्विन। व्हेन वी मेजर टेम्परेचर इन द यूनिट केल्विन, सच अ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिट सिंबल होता है टी, कैपिटल टी, और उसका यूनिट होगा केल्विन। तो रेजिस्टिविटी रो इज ऑन द वाई एक्सिस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज लीनियरली विथ टेम्परेचर। लीनियरली का मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो फॉर कंडक्टर्स, फॉर मेटल
ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इज नियरली अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ऑलमोस्ट फॉर अ रेंज ऑफ 500 केल्विन का मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर, 500 केल्विन रूम टेम्परेचर के ऊपर, वी कैन टेक रूम टेम्परेचर टू बी 27 डिग्री सेल्सियस. तो अगर रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया तो 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, 27 प्लस 2 73, दैट बिकम्स 300 केल्विन. तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 500 केल्विन तक ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इन द केस ऑफ मेटल. तो यहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अप टू अ रेंज ऑफ 500 केल्विन और उसके बाद ग्राफ इज नो लॉन्गर स्ट्रेट लाइन, वो कर्व हो जाएगा. यहां पे P एक रेफरेंस पॉइंट है और ये पॉइंट P होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 273 केल्विन. कमरा डिग्री सेल्सियस में ये जीरो वैल्यू होगा और केल्विन स्केल पे कितना होगा, 273 केल्विन. एंड इस टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो रो जीरो. तो रो जीरो एक रेफरेंस रेजिस्टिविटी होगा एंड इस रेफरेंस रेजिस्टिविटी का वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा. ओके, नाउ इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एज वी ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर रेजिस्टिविटी का वैल्यू विल डिक्रीज. तो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. ये जो डिक्रीज हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो मेटल के केस में रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला होगा रो जीरो इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो. व्हाट इज रो, रो होगा रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी केल्विन का मतलब इफ आई सिलेक्ट एनी टेम्परेचर टी केल्विन इन दिस ग्राफ तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे रेजिस्टिविटी कितना होगा रो. तो रो होगा रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर टी केल्विन एंड रो जीरो क्या होगा रेजिस्टिविटी at a temperature T0 Kelvin. तो rho is resistivity at T Kelvin, rho 0 is resistivity at T0 या T0 Kelvin. फिर इसी formula को simplify करने के बाद alpha का formula क्या बन जाएगा, इसको simplify करो. तो alpha का formula होगा rho minus rho 0 upon rho 0 into T minus T0. T minus T0 क्या हो गया, rising temperature. rho 0 क्या हो गया, initial resistivity at 0 Kelvin. ओके, एंड रो माइनस रो जीरो क्या हो गया, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी. एंड कांस्टेंट अल्फा जो हमने रेजिस्टेंस में भी डिफाइन किया था, अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. एंड इन द केस ऑफ कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज. बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. ये हम लोग सेकंड ग्राफ में देख रहे हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज. तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी.